बसंत पंचमी को ब्रज में होली का डाडा गढ़ने के बाद अब प्रशासन भी होली की तैयारियों में जुट गया है। ब्रज में बरसाने की होली विश्व प्रसिद्ध है। इसके साथ ही नंदगांव की लठमार होली, दाऊजी का हुरंगा, गोकुल की छड़ीमार होली, मथुरा और वृंदावन की रंगभरनी एकादशी होली भी आकर्षण का केंद्र रहती है। वहीं इस बार बुंदेलखंडी और भोजपुरी रस के साथ आयोजन होंगे, जबकि 28 फरवरी को बरसाने की प्रसिद्ध होली होगी। रंगोत्सव कार्यक्रम को हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए प्रदेश के पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री जयवीर सिंह और गन्ना विकास एवं चीनी मिल मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बुधवार को बरसाना में ब्रज तीर्थ विकास परिषद और आला अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें बरसाना की लठमार होली, नंदगांव की होली और ब्रज के अन्य स्थानों पर होने वाली होली को भव्यता और दिव्यता के साथ मनाए जाने की तैयारियों पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि ब्रज के सभी स्थानों पर होने वाली होली के कार्यक्रमों में किसी भी प्रकार की कोई कमी न रहे, क्योंकि देश के विभिन्न प्रांतों के साथ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक भी ब्रजभूमि से लगाव रखते हैं। लोगों को भी इसमें शामिल करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, इसलिए शांति व्यवस्था के लिए समुचित पुलिस बल और मजिस्ट्रियल ड्यूटी लगाई जाए। यात्रियों के आवागमन के लिए 50 बसों का संचालन, सड़कों की मरम्मत, मंदिर परिसर में बैरिकेटिंग, पार्किंग स्थलों पर बैरिकेटिंग और रैंप, कुंडों की बैरिकेटिंग और कुआं आदि की बैरिकेटिंग समय पर कर ले। साथ ही मुख्य मार्गों पर भी बैरिकेटिंग लगाई जाए। इसके अलावा अन्य व्यवस्थाएं भी समय पर कर ली जाए। साथ ही अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई अमल में ली जाए। बैठक में उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष शैलजा कांत मिश्र, जिलाधिकारी पुलकित खरे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र कुमार पांडे, मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष नगेंद्र प्रताप, मुख्य विकास अधिकारी मनीष मीना सहित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे। यहाँ का होली के जो कार्यक्रम होते हैं, बरसाना की होली पूरे विश्व में विख्यात है, और इस होली के कार्यक्रम जो लगातार परंपरागत रूप से होते रहे, उनको और व्यापक स्वरूप देने का काम, और भव्यता और दिव्यता देने का काम, उसमें कुछ नया जोड़ने का काम इस बार हम लोग करेंगे। उसके लिए हमारा विभाग और यहाँ के स्थानीय स्तर पर हमारी परिषद के अधिकारी, परिषद के पदाधिकारी और यहाँ का प्रशासन, यहाँ के जनप्रतिनिधि मिलकर के करेंगे। इस बार की जो होली के कार्यक्रम होंगे, चाहे नंदगांव के हों, बरसाने के हों, जनपद भर में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रम हों मथुरा के, उनको भव्यता और दिव्यता के साथ नई कल्चरल एक्सचेंज कार्यक्रम भी रखेंगे। ब्रज के रस के साथ हम लोग बुंदेलखंडी रस भी देने का प्रयास करेंगे। हम लोगों का प्रयास होगा कि भोजपुरी के भी रस, यहाँ के लोग उसका रस स्वादन करें, ये प्रयास होगा। हर क्षेत्र में बहुत ही अनुशासित तरीके से भव्यता दिव्यता के साथ सकुशल संपन्न हो, इसकी भी व्यापक रूप से चर्चा की गई है। सारे अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इस बार के कार्यक्रम में एकदम नया भव्यता दिव्यता का सूत्र दिखाई पड़ेगा। सर, सीएम योगी ने हर होली पे नए राज्य को जोड़ने का जो निर्णय लिया था पिछली बार, जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे, इस बार कौन से मुख्यमंत्री इस बरसाना की होली में देखने को मिलेंगे? हम हर स्टेट के नहीं, हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस बार प्रयास करेंगे कि विदेश की धरती से भी तमाम हमारे जो श्रद्धा रखते हैं वो श्रद्धालु यहाँ उपस्थित हों। प्रदेश के तमाम अन्य राज्यों के वी आई पी आते ही रहते हैं, निश्चित रूप से इस बार आएंगे, और जहाँ तक संभावना है कि हर क्षेत्र में हम लोग नया कुछ करेंगे। बन सकता है, अभी तो टाइम है, लेकिन संभावना है। माननीय मुख्यमंत्री जी का मन भी रहता है, उनका सांस्कृतिक धार्मिक स्थलों के प्रति विशेष लगाव भी है, और विशेष रूप से मथुरा की एक कृष्णभूमि जन्मभूमि पर उनका हमेशा ब्रजभूमि के लिए आकर्षण रहता है, उनका यहाँ के लिए श्रद्धा रहती है, और निश्चित रूप से आने का उनकी संभावना।